प्रेम गांव में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता था। प्रेम का दिमाग जितना तेज था उससे भी अधिक प्रभावशाली और आकर्षक उसका व्यक्तित्व था। बहुत सारी लड़कियां उस पर अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार बैठी रहती थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही था। उसको परिवार वालों के मन से ही शादी करनी थी, तो वो कभी इन सब चक्करों में पड़ा ही नहीं। उसका मानना था कि जिस गली जाना ही नहीं, उसका रास्ता क्यों पूछना। एंट्रेंस एग्जाम में पास होकर प्रेम को अपने मनचाहे कॉलेज में प्रवेश मिल चुका था। गांव दूर था तो उसे हॉस्टल में ही रहना पड़ा। उसको हॉस्टल में आया भी कुछ दिन ही हुए थे। एक कमरे में दो लोग रहते थे, समर उसका दूसरा रूम पार्टनर था। दोनों हमजोली के ही थे, लेकिन समर और प्रेम में फर्क था। समर बजरंगबली का भक्त था। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करता था। अगरबत्तियों की महक ऐसी कि आसपास के लोग उसे अलार्म की तरह लेते थे। महक आ गई मतलब समर ने पूजा कर ली है, 7 बज गए हैं। लेकिन वहीं प्रेम नास्तिक था, वो भी अगरबत्ती की महक से उठता था, लेकिन गुस्से से। अक्सर प्रेम और समर की बहस अगरबत्ती को लेकर हुआ करती थी। नए सेमेस्टर को शुरू हुए 4-5 महीने बीत चुके थे। हॉस्टल के लोग एक दूसरे के करीब आ चुके थे। किसकी किससे बनेगी इस बात का पता ज्यादातर लोगों को चल चुका था। कुछ लोग अपने करीबी दोस्तों के कमरे में ही रात दिन पड़े रहते थे। कभी किसी को ढूंढना हो तो उसके करीबी के रूम में पहले जाते थे। अभी तक प्रेम का कोई भी करीबी नहीं बन पाया था। अगर उसे जागना होता था तो उसकी वजह अपने दोस्त के कमरे में पढ़ाई होता था। वो मौज मस्ती में कभी शामिल नहीं होता था। एक रात प्रेम किसी और के कमरे में पढ़ रहा था, इसलिए समर को अकेले कमरे में सोना पड़ा। रात ढल रही थी, समर गहरी नींद के आगोश में था, लेकिन उसके हाथ पांव हिल रहे थे। वो कभी हाथों को ऐसे बांधता जैसे किसी को गले लगा रहा। किसी पल वो पेट के बल लेटा होता तो अगले ही पल किसी करवट। उसके कानों में अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थीं। कोई डरावनी आवाज़ में बोलने का प्रयास कर रहा था, चले जाओ, बीच में मत आओ, वो मेरा प्रेम है। जब ये सब चरम सीमा पर पहुंच गया तो समर को अपने बजरंग बली की याद आई और वो उठकर बैठ गया, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। माथे पर टप टप पसीना टपक रहा था, धड़कनें तेज थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिस्तर पे कोई लेटा पड़ा हो। उसने प्रेम को बगल में लेटा समझकर बड़बड़ाते हुए बिस्तर के बगल में मेज पे रखे हुए टेबल लैंप को ऑन किया। प्रेम वहां नहीं था, वहां पर कोई नहीं था। फिर उसने इसे बुरा सपना समझकर थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर टेबल लैंप जलते ही छोड़कर लेट गया। उसकी आंखें खुली ही थी कि उसने ये क्या देख लिया। ठीक ऊपर सीलिंग पर उसके सपनों में आई लड़की लटकी हुई थी, लेकिन सपने जैसी सुंदर नहीं थी। वो लंबे बाल बिस्तर तक बिखरे हुए थे, चेहरा साफ दिख रहा था, काले काले दांत, खून जैसी लाल आंखें, आंखों में अंगारे। ये सब देखकर समर का गला सूख गया। वो जोर जोर से चिल्लाने का प्रयास कर रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। 2 मिनट के भीतर उसके पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे। समर की चीखों ने पूरा हॉस्टल उसके रूम के बाहर जमा कर दिया था। सबके पहुंचने के बाद भी उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। दूसरे स्टूडेंट कैसे कैसे उसे होश में लाए। सबकी रात जगते हुए बीती। समर ने सुबह होते ही प्रेम को सारी बातें बताई। और एक साथ कमरा बदलने के लिए बोला, लेकिन प्रेम को सारी बातें मनगढ़ंत लगी। उसने उन पर ज़रा भी विश्वास नहीं किया। प्रेम उसी कमरे में रह गया और समर ने अपना कमरा बदल लिया। अब प्रेम उस कमरे में अकेले रहता था। क्योंकि उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था, इसलिए अक्सर वो कमरे में ही सोता था। उसके साथ भी वही सब शुरू हो गया जो समर के साथ हुआ था, लेकिन समर को उसके साथ क्या हो रहा है इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। उसको कमरे में ऐसे 2 लोगों को आपस में बात करने की आवाज़ें आती थीं। हंसी मजाक सब चल रहा था। दूसरी आवाज़ बहुत ही सिल्की और सुरीली थी। उसके पड़ोसी कमरे के लोग प्रेम की रात की हरकतों से परेशान रहने लगे और उस पर शक करने लगे
कि उस रूम में कुछ तो असामान्य है। अक्सर प्रेम रात में हॉस्टल से बाहर जाया करता था और सुबह होते ही वापस आ जाता था। लोगों को लगा कि प्रेम रात में लोगों की चोरी से कोई लड़की लेकर आता है और फिर उसी के साथ बाहर बिना किसी को जनाए घूमने निकल जाता है। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, इसलिए पड़ोसी उससे बात करने में हिचकिचाते थे। प्रेम की रात वाली गतिविधि सारी मर्यादाएं लांघ चुकी थी। एक बार सारे पड़ोसियों ने प्लान बनाया कि वो प्रेम को रंगे हाथों पकड़ेंगे। प्रेम गहरी नींद में था। लोग उससे बिना पूछे उसके रूम में घुस गए। बहुत ढूंढने पर भी कोई लड़की नहीं मिली। फिर सब लोगों ने प्रेम को लेकर अपनी आप बीती सुनाई। लड़की से बात करने की सुरीली आवाज, प्रेम का काली रातों में बाहर जाना और सुबह को लौटना। प्रेम बड़ा असमंजस में था क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने अपने सपनों में देखी थी, लेकिन उसके सपनों की बातें इन सब को कैसे पता। उसको ये बात खटकी, उसको सपने में रोज एक ही लड़की कैसे दिख सकती थी, वही खूबसूरत चेहरा जिसके बगल में वो कभी मणिकर्णिका घाट पे बैठा करता था, तो कभी दशमेश घाट पे उसका गंगा का पानी छूना, एक दूसरे पर पानी फेंकना। वो उसी लड़की को देखने की इच्छा लिए रात में सोता था। क्या उसे उस सपने वाली लड़की से प्यार हो गया था? इन सब सवालों का जवाब प्रेम की नास्तिकता से परे था। उसके पड़ोसी उसको अपना ध्यान रखने और सजग रहने की नसीहत देकर अपने रूम में चले आए। अगली रात सोने से पहले प्रेम थोड़ा भयभीत था। वो सोच ही रहा था कि आज अपने सपने में उस लड़की को ना देखूं। तभी वही खूबसूरत लड़की उसके बिस्तर पे बैठी मिली। प्रेम, ये जो तुम देख रहे हो वो सपना नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करती थी और करती हूँ। मैं हर दम तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ती। प्रेम डर के मारे नहीं बोल पा रहा था। लड़खड़ाते हुए उसने बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम मेरे प्रेम हो, मैंने बरसों तुम्हारा इंतजार किया। मेरी शादी तय हो गई। इस बात को सुनकर लड़की अपने खूंखार रूप में आ जाती है, वही रूप जो समर ने देखा था। बस इस बार उसकी आंख, नाक, कान से खून बह रहा था, जैसे उसका गुस्सा खून के रूप में फूटा हो। तुम मेरे ही रहोगे, किसी और के नहीं हो सकते हो, मैं होने नहीं दूंगी। प्रेम बेहोश हो गया। सुबह अपने घर वालों को ये सब बातें बताई। घर वालों ने गंभीरता से नहीं लिया। इधर लड़की प्रेम को खुद से शादी करने के लिए राजी करने लगी। बाथरूम में अपने शरीर का एक एक अंग काट के फेंकने लगी। कभी उंगली, कभी हाथ, कभी उसकी जीभ होती थी, लेकिन प्रेत आत्मा से शादी करने के लिए वो हामी कैसे भर सकता था। वो सीधे अपने गांव भाग गया। घर वाले उसकी पागलों वाली हरकतें देखकर डर गए और एक तांत्रिक के पास लेकर चले गए। तांत्रिक को समस्या का जड़ से पता लग चुका था। लड़की को किसी प्रेम नाम के लड़के से प्यार हुआ था। लड़की सच्चे प्यार में थी, लेकिन लड़का उसे अपने गले की हड्डी मानने लगा था। वो लड़का अब उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था। उसी रूम में लड़की को सोते हुए गला घोटकर मार दिया था। उस कमरे के बाथरूम में लड़की की लाश दफन कर दिया। लड़की सुबह का सूरज नहीं देख पाई। इसके बाद उस लड़के ने उस रूम को आनन फानन में छोड़ दिया। तब से उस लड़की की आत्मा सुबह होने का इंतजार कर रही थी। लड़की प्रेम का इंतजार करती रही। तब से पहली बार कोई प्रेम नाम का लड़का उस रूम में रहने आया था। प्रेम के रूम पार्टनर सागर को अपने और प्रेम के बीच रोड़ा समझकर उसने डराकर भगा दिया। उसके बाद वो प्रेम के साथ साई की तरह रहती थी। जो भी हुआ था, तांत्रिक को लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलानी थी। तांत्रिक प्रेम और प्रेम के पिता के साथ हॉस्टल पहुंचा। वो कुछ मजदूर भी साथ लेकर आए थे। मंत्रों के उच्चारण के बीच प्रेम के हॉस्टल की खुदाई चालू हो गई। वहाँ एक लड़की का कंकाल मिला। कहीं ना कहीं प्रेम भी सपनों वाली लड़की के प्यार में था। अपना फर्ज समझते हुए लड़की की आत्मा को आज़ाद करना चाहता था। प्रेम उन अस्थियों का मणिकर्णिका घाट पर पूरे रीति रिवाज के साथ दह संस्कार करना चाहता था। वो खूबसूरत लड़की प्रेम के सपने में फिर कभी नहीं आई। प्रेम कभी कभी उसे सपने में देखना चाहता था,
लेकिन वो दूर किसी और दुनिया में जा चुकी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे लिखें, मेल करें। मेल आईडी मेरे चैनल पर है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।